उस देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के उपयुक्त सूक्ष्म शरीर आदि उपकरणों की प्राप्ति का कथन होने से उसके लिए ब्रह्मलोक में जाने का कथन सुयुक्ति संगत है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है। व्याख्या श्रुति में जहाँ साधक के लिए देवयान मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक में जाने की बात कही है, उस प्रकरण में उसके उपयोगी उपकरणों का वर्णन भी पाया जाता है। श्रुति में कहा है कि ये जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है उस संकल्प द्वारा मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण उपादान वायु में स्थित हो मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार लोक में ले जाता है। उसी तरह दूसरी जगह अर्ची अभिमानी देवता को प्राप्त होना कहा है। इस प्रकार समस्त कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाने पर भी उसका दिव्य शरीर से संकल्प संपन्न होना बतलाया गया है, किंतु जिस साधकों को शरीर रहते हुए परब्रह्म परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं उसके लिए वैसा वर्णन नहीं आता। अभी तो उसके विषय में श्रुति ने इस प्रकार कहा है कि जो कामना रहित निष्काम पूर्ण काम तथा केवल परमात्मा को ही चाहने वाला है उसके प्राण ऊपर के लोक में नहीं जाते, वह ब्रह्म होकर ही यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यही मानना सुसंगत है कि साधक के संकल्पानुसार दोनों प्रकार से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लोक में भी देखा जाता है कि जिसको अपने स्थान से कहीं अन्यत्र जाना होता है उसके साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है। उसी प्रकार उपयुक्त अधिकारी पुरुष के लिए दिव्य शरीर आदि उपकरणों का वर्णन किया गया है, इसलिए उसका इस लोक से ब्रह्मलोक में जाने का कथन उचित ही है। संबंध ब्रह्म विद्या का फल बताते हुए श्रुति ने बहुत जगह ब्रह्मलोक में जाने की बात तो कही है, परंतु देवयान मार्ग से जाने की बात सर्वत्र नहीं कही है। इसलिए ये जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी ब्रह्मवेत्ता देवयान मार्ग से ही जाते हैं, या जिस जिस विद्याओं के प्रकरण में देवयान मार्ग का वर्णन है उन्हीं के अनुसार उपासना करने वाले पुरुष उस मार्ग से जाते हैं। इस पर कहते हैं ऐसा नियमन नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देवयान मार्ग द्वारा जाते हैं, अपितु ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों की गति उसी मार्ग से होती है। यही बात श्रुति और स्मृतियों से सिद्ध होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। व्याख्या श्रुति में कई जगह साधकों को ब्रह्मलोक और परमधाम की प्राप्ति बताई गई है, परंतु सब जगह देवयान मार्ग का वर्णन नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता आदि स्मृतियों में भी सब जगह मार्ग का वर्णन नहीं है। अतः जहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई गई है वहाँ यदि मार्ग का वर्णन न हो तो भी अन्य स्मृतियों के वर्णन से ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक में गमन होना तो किसी न किसी मार्ग से ही होगा। अतः यह नियम नहीं है कि जिन प्रकरणों में देवयान का वर्णन है उसके अनुसार उपासना करने वाले ही उस मार्ग से जाते हैं, दूसरे नहीं। अभी तो जिसका ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है वे सभी देवयान मार्ग से जाते हैं, ऐसा मानने से श्रुति के कथन में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि जो यही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोक में नहीं जाते हैं। संबंध वशिष्ठ और व्यास आदि को अधिकार प्राप्त ऋषिगण है, उसकी अर्ची मार्ग से गति होती है, या वे उसी शरीर से ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। उस पर कहते हैं जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष हैं उनकी जब तक अधिकार की समाप्ति नहीं होती तब तक अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है। व्याख्या जो वशिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर परमेश्वर की आज्ञा से यहाँ जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं, उन कारण पुरुषों का न तो साधारण जीवों की भांति जाना आना होता है और न मरना जन्मना मरना ही होता है। उसकी सभी क्रियाएं साधारण जीवों से विलक्षण एवं दिव्य होती है। वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करने में समर्थ होते हैं, तथा उसके लिए अर्ची आदि देवताओं की सहायता आवश्यक नहीं है। जब तक उसका अधिकार रहता है तब तक वे इस जगत में आवश्यकता अनुसार सभी लोगों में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसलिए अन्य साधक या मुक्त पुरुष उसके समान
नहीं हो सकते। संबंध 32वें सूत्र तक ब्रह्मलोक और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आए हुई श्रुतियों पर विचार किया गया। ब्रह्म और जीव के स्वरूप का वर्णन करने वाली श्रुतियों पर विचार करने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। अक्सर इधर परमात्मा के निर्गुण निराकार विषयक लक्षणों का भी सब जगह अध्ययन करना उचित है, क्योंकि ब्रह्म के सभी विशेषण समान है तथा उसी के स्वरूप को लक्ष्य कराने वाले भाव है। अतः उपनिषद कर्म संबंधी मंत्रों की विभाति उसका अध्ययन कर लेना उचित है, ये बात कही गई है। व्याख्या बृहदारण्यक में याज्ञवल्क ने कहा है कि यह गार्गी, जिसको तुम पूछ रही हो उस तत्व को ब्रह्मवेता लोग अक्सर कहते हैं। यथार्थ निर्गुण निराकार अविनाशी ब्रह्म बताते हैं। वह ना मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़े बड़ा है इत्यादि। इस प्रकार वहां ब्रह्म को न सब पदार्थों से, इंद्रियों से और शरीरधारी जीवों से अत्यंत विलक्षण बतलाया गया है तथा मुंडोपनिषद में अंगिरा ऋषि ने सौनक से कहा है कि वह परा विद्या है जिससे उस अक्षर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो जानने और पकड़ने में आने वाला नहीं है, जो गोत्र वर्ण आंख कान पैर आदि से रहित है किंतु सर्वव्यापी अति सूक्ष्म विनाश रहित और समस्त प्राणियों का कारण है, उसी को ज्ञानी पुरुष सब ओर से देखते हैं। इस प्रकार वेद में उस अक्षर ब्रह्म के जो विशेषण बताए गए हैं उसको ब्रह्म के वर्णन में सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म के सविशेष और निर्विशेष सभी लक्षण समान है तथा सभी उसी के भाव है। अर्थ उस ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए ही कहे हुए भाव है, इसलिए उपसद कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उसका अध्याहार कर लेना उचित है, ये बात कही गई है। संबंध मुंडक और श्वेतास्वर में तो पक्षी के दृष्टांत से जीव और ईश्वर को मनुष्य के हृदय में स्थित बताया है, और कठोपनिषद में छाया तथा धूप की भांति ईश्वर और जीव को मनुष्य के हृदय में स्थित बताया है। इन स्मृतियों से जिस विद्या अथवा विज्ञान का वर्णन है वह एक दूसरे से भिन्न ही या अभिन्न इस जिज्ञासा पर कहते हैं, उक्त तीनों मंत्रों में एक ही ब्रह्म विद्या का वर्णन है, क्योंकि सभी जगह इतनापन का वर्णन समान है। व्याख्या मुंडक और श्वेतास्वर में जो कहा है कि एक साथ रहकर परस्पर सखाभाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर रूप वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनों में से एक तो कर्मफल रूप दुख सुख को भोगता है और दूसरा नखाता हुआ केवल देखता रहता है। इस प्रकार ये जीव शरीर की आसक्ति में निमग्न होकर असमर्थता के कारण मोहित हो चिंता करता रहता है। यदि वह भक्तों द्वारा सेवित अपने पास रहने वाले सखा परमेश्वर को और उसकी विचित्र महिमा को देख ले तो तत्काल ही शोक रहित हो जाए। तथा कठोपनिषद में कहा है कि मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय गुहा में छिपे हुए और अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करने वाले जीव और ईश्वर दोनों हैं, जो कि छाया और धूप की भांति भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, ऐसा ब्रह्मवेता कहते हैं। इन सभी स्थलों में द्विवचनात्मक शब्दों का प्रयोग करके जीव और ईश्वर को परिच्छिन्न स्थल हृदय में स्थित बताया है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों जगह कहीं कहीं हुई विद्या एक है। इसी प्रकार जहां जहां ये परब्रह्म परमात्मा को प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है उन सब स्थलों में वर्णित विद्या की भी एकता समझ लेनी चाहिए। संबंध अब परमात्मा को सर्वांतरयामी बतलाने वाली श्रुतियों पर विचार आरंभ करते हैं। आकाशादि भूत समुदाय की भांति वह परमात्मा साधक के अपनी आत्मा का भी अंतरात्मा मतलब अंतर्यामी है, क्योंकि यही बात अन्य श्रुति में कही गई है। व्याख्या राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क से चक्रायण के पुत्र उसत ने कहा कि जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है, सबको उसको मुझे समझाइए। तब याज्ञवल्क ने कहा जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका है। उसके पुनः जिज्ञासा करने पर याज्ञवल्क ने विस्तार से समझाया कि जो प्राण के द्वारा
सबको प्राण क्रिया संपन्न करता है यदि आदि। उसके बाद उसस्त के पुनः पूछने पर बताया कि दृष्टि के दृष्टा को देखा नहीं जा सकता, श्रुति के श्रोता को सुना नहीं जा सकता, मति के मंता को मनन नहीं किया जा सकता, विज्ञाति के विज्ञाता को जाना नहीं जा सकता, ये तेरा अंतरात्मा ही सबका अंतरात्मा है। फिर कहोल ऋषि ने भी वही बात पूछी कि जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है, उसको मुझे समझावे। यज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा कि जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका अंतरात्मा है, जो भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा और मृत्यु सबसे अतीत है इत्यादि। इन दोनों प्रकरणों को दृष्टि में रखकर इस तरह के सभी प्रकरणों का एक साथ निर्णय करते हैं। या यह प्रश्न उठता है कि इस समय जो अंतरात्मा बताया गया है वह जीवात्मा है या परमात्मा। यदि परमात्मा है तो किस प्रकार? इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं, जिस प्रकार समुदाय में पृथ्वी का अंतरात्मा जल है, जल का तेज, तेज का वायु और वायु का भी आकाश है, अतः सबका अंतरात्मा आकाश है, उसी प्रकार समस्त जड़ तत्वों का अंतरात्मा जीवात्मा है। और जो अपने आपका यथार्थ जीवात्मा का भी अंतरात्मा है वह सबका अंतरात्मा है, क्योंकि अन्य श्रुति में यही बात कही गई है। यथार्थ उसी प्रकरण के सातवें ब्राह्मण में उद्दालक ने प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने उस परब्रह्म परमात्मा को पृथ्वी आदि समस्त भूत समुदाय का अंतर्यामी बताते हुए अंत में विज्ञानात्मा यथार्थ जीवात्मा का भी अंतर्यामी उसको बतलाया है, तथा प्रत्येक वाक्य के अंत में कहा है कि यही तेरा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है। श्वेतास्त्र में भी कहा है कि सब प्राणियों में छिपा हुआ वह एक देव सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। वह सबके कर्मों का अधिष्ठाता, सबका निवास स्थान, सबका साक्षी, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि सबका अंतरात्मा वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं हो सकता। संबंध अब कही हुई बात में शंका उठाकर उसका उत्तर देते हैं। यदि कहो कि दूसरे प्रकार से उपभेद अभेद की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का अभेद मानना ही उचित है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी। व्याख्या, यदि कहो कि उक्त वर्णन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के भेद को उपाधिकृत न मानकर वास्तविक मान लेने पर अभेद की सिद्धि नहीं होगी, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगह के उपदेश की भांति यहाँ भी उप अभेद की सिद्धि हो जाएगी। यथार्थ जिस प्रकार दूसरी जगह कार्य कारण भाव से अभिप्राय से परब्रह्म परमेश्वर की जड़ प्रपंच और जीवात्मा के साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक स्थान में अभेद की सिद्धि हो जाएगी। भाव यह है कि श्वेत केतु को उसके पिता ने मिट्टी, लोहा और सोने के अंश द्वारा कार्यकरण की एकता समझाए, उसके बाद नौ बार पृथक पृथक दृष्टांत देकर प्रत्येक के अंत में ये बात कही कि ये जो अणिमा यथार्थ अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है, उसी का स्वरूप ये समस्त जगत है, वही सत्य है वह आत्मा है और वह तू है। यथार्थ कार्य और कारण की भांति तेरी और उसकी एकता है, उसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिए। संबंध, यदि परमात्मा और जीवात्मा उपाधिकृत भेद और वास्तविक अभेद मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, परस्पर व्यक्त करके अभेद का वर्णन है, इसलिए उपाधिकृत अभेद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी श्रुतियां दूसरे की भांति विशेष विशेषण देकर वर्णन करती है। व्याख्या, परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए श्रुति ने कहा है कि जो मैं हूँ सो वह है और जो वह है सो मैं हूँ, तथा तुम यथार्थ हे भगवान हे देव निश्चय ही तुम मैं हूँ, तुम मैं हूँ और मैं तुम हो, इस प्रकार
व्यतिहार पूर्वक यथार्थ एक में दूसरे के धर्म का विनिमय करते हुए एकता का प्रतिपादन किया गया है, ऐसा वर्णन उन्हीं स्थलों पर किया जाता है जहाँ इतर वस्तु की भांति वास्तव में भेद होते हुए भी प्रकरण से अभेद बतलाना अभिष्ट हो। जैसा कि दूसरी जगह श्रुति में देखा जाता है, निश्चय ही जो उद्गित है वह प्रणव है और जो प्रणव है वह उद्गित है। उद्गित और प्रणव में भेद होते हुए भी यहाँ उपासना के लिए श्रुति ने व्याति हर वाक्य द्वारा दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार यहाँ भी उपासना के लिए परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता बताई गई है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ उपाधिकृत भेद होता है वह ऐसा कथन संगत नहीं होता। यहाँ इस एकता के प्रतिपादन का प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना काल में अपने को परमात्मा की भांति देह और उसके व्यवहार से सर्वथा असंगत तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझकर तद्रुप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संबंध पुनः प्रकरण से औपाधिक भेद की मान्यता का निराकरण करते हैं।